बिछुओं से खमार पानी जा रही बस पलटी, 11 यात्री बुरी तरह घायल। धारा 144 के दौरान बरतें सावधानी, सोशल मीडिया में लापरवाही से क्रिया प्रतिक्रिया पड़ेगी भारी। जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक संपन्न, कई जगह उलझे ही दिखे पेंच। और उत्कृष्ट विद्यालय में मुगली उत्सव के अंतर्गत जिला क्विज संपन्न, बच्चों में दिखा खासा उत्साह। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद, और आइए अब देखें इन खबरों को विस्तार से। बिछुआ से खमार पानी जाने वाली लक्ष्मी ट्रेवल्स की बस अडवार के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 11 यात्री बुरी तरह घायल हुए। पब्लिक थी तो उससे क्या करना, डालना है पेपर में। क्रम को लेकर बस वाले सब बस के जो कंडक्टर ड्राइवर मिलेंगे उनसे पता चले कैसी घटना घटी है ये जी। ये चौकी में सूचना मिली थी 2:45 बजे करीब करीब की, एक बस उमरा नाला से बिछुआ जा रही थी, लक्ष्मी ट्रेवल्स की बस है MP 49P 0107 बस पलट गई है, इससे कुछ लोग घायल हुए। मौके पर 100 डायल 108 एम्बुलेंस। सर लगभग कितने यात्री घायल हुए इसमें? अभी तक जानकारी मिली 11-12 लोग हैं जिनको तत्काल चिकित्सा सुविधा के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। जैसे सर इस मार्ग पे कई अनफिटेड बसें चलती फिर भी उसके बाद कार्रवाई नहीं हो पाती, आरटीओ विभाग को पत्र लिखा जाएगा। साइबर सेल ने गुमे हुए 69 मोबाइल फोन ढूंढ निकाले और आज कंट्रोल रूम से ये मोबाइल फोन उनके मालिकान को सौंपे गए। आप सभी का स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि जब से साइबर सेल ने 1 जनवरी से उन्होंने प्रयास किया था कि जितने भी यहाँ गुम मोबाइल होते हैं लोगों के, अपनी साइबर सेल की यूनिट उसको लगातार ट्रेस करे और ऐसे लोगों को जिनके गुम होते हैं मोबाइल उनको समय से वापस दिलाया जाए। पिछले 3 माह में हम लोगों ने 1 अगस्त 2019 से लेकर अभी तक 89 मोबाइल विभिन्न जो उपभोक्ता थे उनके बरामद किए हैं और ट्रेस किए हैं। आज हम लोग उसमें से काफ़ी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी को वापस उनके मोबाइल दे रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि इस वर्ष अभी तक कुल 281 मोबाइल पुलिस ने अभी तक बरामद किए हैं और उनके उपभोक्ताओं को वापस किया है। आज की इस कार्रवाई में लगभग 11 लाख के कुल 89 मोबाइल हैं जिनको हम लोग उपभोक्ताओं को दे रहे हैं। साथ ही 3 ऐसे मामले आए थे जिसमें चोरी करके मोबाइल को ले जाया गया था, उसमें जो आरोपी थे 5 उनको गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया है और उनके विरुद्ध संबंधित थानों में अपराध दर्ज कराकर उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। ये 11 लाख रुपए ये कुल मिला के लगभग 33 लाख रुपए के हो गए। 22 लाख पहले के मोबाइल बरामद हुए थे, 11 लाख से ज्यादा कीमत के अभी बरामद हुए हैं। कुल मिला के लगभग 33 लाख के 281 मोबाइल इस वर्ष पुलिस ने विभिन्न जो यहाँ के निवासी हैं जो उनके मोबाइल गायब हो जाते हैं गिर जाते हैं
उनको हम लोगों ने वापस उनको रिकवर करने में सफलता पाई है। मैं चाहूँगा कि ऐसे जो लोग हैं पुलिस के पास आएं, अपने जो मिसिंग यूनिट है उसमें अपने आवेदन दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सुविधा का लाभ हम दिला सके। इस पूरी कार्रवाई में साइबर सेल के अभी डीएसपी क्राइम आशुतोष, सब इंस्पेक्टर सत्यन और उनकी पूरी साइबर की टीम लगातार इसमें काम करती है, मोबाइलों को ट्रेस करने का और उनको फिर वापस ले आने का। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं और 5,000 रुपये से उनको नगद पुरस्कार से पुरस्कृत भी करता हूं। जिले में 144 धारा लागू है और ऐसे में पुलिस अधीक्षक मनोज राय ने जनता से अपील की है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग निहायत सावधानी से करें, खासतौर पर आपसी सौहार्द, सद्भाव या शांति व्यवस्था को प्रभावित कर सकने वाली पोस्ट मजाक में भी ना करें। अभी कल कलेक्टर साहब की ओर से धारा 144 के तहत जिले में सभी तरह के होटल, लॉज या किराएदारों को सूचना देना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही पूरे जिले में सोशल मीडिया के ऊपर अगर कहीं भी कोई कमेंट करता है, आपत्तिजनक कमेंट करता है, उसको लेके भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। और व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफार्म हैं, उन पर किसी भी तरह का धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला आपत्तिजनक पोस्ट अगर कोई करेगा या उस पर किसी तरह का कोई वीडियो जारी करेगा तो उसके विरुद्ध धारा 144 का प्रतिबंध लगा दिया गया है, कार्रवाई की जाएगी। मुगली बाल महोत्सव के अंतर्गत आज उत्कृष्ट विद्यालय में जिला स्तरीय क्विज प्रतियोगिता संपन्न हुई। मैंना है बहुत ही आपको पुरस्कृत करना चाहते हैं हर्षित विश्वकर्मा ने, हर्षित विश्वकर्मा ने मुझे जवाब दिया पहाड़ी में चुनाव करना है, कोई एक ही है द जंगल बुक किताब, इसका पात्र शेर खान किस शेर की प्रजाति का है? उसकी प्रजाति बताना है स्पेशल। समय समा मैं ना आपका समय रॉयल बंगाल टाइगर सही जवाब है मैना का। मैना प्लस 10 मार्क्स आपको मिलते हैं। तो इस तरह से ये राउंड अब यहाँ समाप्त होता है और इस राउंड के समाप्त होने के आपको बताएंगे और मैं मतलब कांसर से निवेदन करूँगा और तीसरे चौथे पांचवें राउंड के हमको नियम और स्वागत कराएंगे। तीसरे चौथे और पांचवें राउंड के नियम समझ लें जो लोग आप लोग सभी मीडियम के उसमें बैठे हुए थे ना, जो रूल्स उसमें थे वही के वही हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, तीसरा राउंड जो है यहाँ से शुरू होने वाला है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से मुगली बाल महोत्सव 2019 का आयोजन शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा में किया गया। ये जिला स्तरीय आयोजन है। इस जिला स्तरीय आयोजन में कनिष्ठ वर्ग में और वरिष्ठ वर्ग में दोनों वर्गों में प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिसमें छिंदवाड़ा ज़िले के 11 विकास खंडों के जो विद्यार्थी हैं अपनी अपनी टीमों को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनके साथ में उनके मार्गदर्शक शिक्षक भी हैं। और ये जो क्विज खेला जा रहा है कनिष्ठ वर्ग में और वरिष्ठ वर्ग में दोनों में अलग अलग खेला जा रहा है। इसमें कनिष्ठ वर्ग से 2 टीमें चयनित की जाएंगी और वरिष्ठ वर्ग से 2 टीमें चयनित की जाएंगी और जो विजेता टीम प्रथम और द्वितीय रहेंगी उनको
पेंच राष्ट्रीय उद्यान में नवंबर माह में ही अंतिम सप्ताह में भ्रमण करने का अवसर मिलेगा राज्य शासन की ओर से। तो बड़े उत्साह के साथ में जो विद्यार्थी हैं यहाँ पर उपस्थित हुए हैं पूरे जिले से और भाग ले रहे हैं। जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक आज जिला पंचायत अध्यक्ष कांता ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। ये स्थिति में अब वो भाई हमने कहा हो, मैंने कहा हो, इन्हें कहा हो, जैसा भी हुआ है, लेकिन उसके लिए हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा। नियम क्या मैं जिन पूछ रहा हूँ आपको बताई थी आप लोगों से जिनने कोई निर्माण कार्य होना है या कोई भी कंस्ट्रक्शन करना है तो बकायदा उस पर या तो टेंडर हो, टेंडर के माध्यम से ठेकेदारों को काम आवंटित किए जाए। अभी ये हो रहा है कि 10-10, 15-15 लाख 25 लाख तक के काम सीधे अधीक्षकों के खाते में पैसे जा रहे हैं और वहाँ पे काम रहा है कोई भी जो चिन्हित ठेकेदार है वो जाके काम कर रहे हैं। बच्चों को चादर गद्दे जो भी खरीदना है वो उनको खरीदना है, यहाँ से एक इनका जो सप्लायर है वो सप्लायर जाता है, अधीक्षकों के ऊपर एक दबाव बनता है और वो पूरे बच्चों के खाते से पैसे निकालता है। सप्लायर जो है वो तकिया भी सप्लाई करेगा, गद्दे भी करेगा, वो भी करेगा। तीसरी चीज जहाँ भी जो जैसे कमलेश भाई कह रहे हैं कि हमने कंप्यूटर कहाँ देना है, आरओ कहाँ देना है और कैसे देना है, भाई बकायदा उसका एक वो होता है हमको कैसे सप्लाई देना है, तो उसमें डायरेक्ट सप्लायर जाकर के वहां पे लगा दे रहे हैं और उनको अधीक्षकों के खाते के माध्यम से कुछ है। लगभग कंप्यूटर आरओ मशीन सप्लाई किया। नियम यह है कि संबंधित छात्रावास वो अपनी जो उनकी पालक संघ समिति जो है प्रस्ताव लेके उनको कौन सी चीज की आवश्यकता है और कहां से क्रय करना है ये बहुत तक है। पर्वतारोहण के क्षेत्र में विश्व में जिले का नाम गौरवान्वित करने वाली जिले की बेटी भावना डहरिया आज छिंदवाड़ा पहुंची। यहां नेहरू युवा केंद्र में उनका स्वागत सम्मान किया गया। भावना ने बताया कि एवरेस्ट फतह के बाद किलिमंजारो पर विजय के उनके सफर में मुख्यमंत्री कमलनाथ हमेशा हर तरह से उनकी ऊर्जा बने रहे। बचपन से ही थोड़ा एक वो रहा कि किसी भी चीज को लेकर जल्दी से सीखना या जल्दी से करना और बहुत ज्यादा घूमना फिरना मुझे पसंद था। कभी भी काम ज्यादा करती थी, घर के काम सिर्फ झाड़ू लगाना आता था। दिमाग में आया कि पर्वतारोही बनना है। फिर जब मैं 11th क्लास में पहुंच गई तब हमारे निकुंज श्रीवास्तव जी कलेक्टर थे, उन्होंने पतालकोट एडवेंचर स्पोर्ट पतालकोट में एडवेंचर स्पोर्ट्स पहले से थी, मैं बास्केटबॉल की नेशनल प्लेयर रही और साइकिल पोलो में भी उन्होंने भी सम्मान दिया है यहाँ पर जब मैं स्कूल में थी। तो तब उन्होंने वहाँ वो एडवेंचर प्रोग्राम हुआ और हमारे स्कूल से जो सिलेक्शन हुआ की बात है पहला जब हुआ था सबसे पहला हुआ था तब मैं वहाँ पर वो जो एडवेंचर कोर्स करने के लिए गई 6 हफ्ते का था। सारी एक्टिविटी की जितनी भी होती हॉट एयर बलून ये सब सारी काफ़ी इंटरेस्ट थे सारे वहाँ पर स्टार्ट मुझसे तभी से मिली और मैं बहुत मतलब इंस्पायर हुई उनसे कि मैंने उनसे कहा मैम मुझे आपके जैसा बनना मुझे क्या करना होगा। सारे लोग इन कठिन परिस्थितियों के बाद भी अगर हमारे इस छिंदवाड़ा की बेटी ने ये सफलता हासिल की है तो हम गौरवान्वित हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है मैडम कि आप आज यहाँ उपस्थित हैं और हमारे एडीएम साहब जो कि बहुत सहृदय हैं और जिला प्रशासन में जिनका अपना एक महत्वपूर्ण रोल है उनने अगर कोई बड़ा आश्वासन आपको दिया है तो आप ये निश्चित मानिए। और मलिया जी यहाँ पर रहेंगे, ये आपको पूरा सहयोग करेंगे, जिला प्रशासन आपके साथ साथ में हमारे मीडिया के साथी लोग भी आ गए तो मिल जाएंगे, वो सपनों में श्रद्धा होगी तो सपने भी सच हो जाएंगे। पॉजिटिव होते हैं तो अपने आप चीजें डरने लगती है क्योंकि जैसा जैसा मैंने सोचा है अभी वैसा हो रहा है। मैं ये नाली उड़वाते क्या फिर से हाँ क्योंकि आ नहीं पाए थे सर इतनी कम उम्र में इतना बड़ा मुकाम कैसे हासिल किया? उम्र की क्या बात करूं मैं क्योंकि ये मैंने बचपन में ही शायद मेरे नेचर के अंदर था या क्या था कि मुझे कुछ ऐसा करके दिखाना है
जो मेरे लिए बहुत आसान हो लेकिन सबके लिए वो ऐसा लगे कि ये बहुत कठिन है, तो मैंने अपने आप को वैसे ही तैयार किया बचपन से। किसका आपको सपोर्ट मिला है? सपोर्ट तो मॉरल सपोर्ट तो बहुत मिला, लेकिन मेरा जो जो सपना पूरा हुआ है फाइनेंशियली जो मेरी हेल्प करी है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हैं, उनके कारण मेरा ये सपना सच हो पाया। क्योंकि मैंने 3 साल बहुत ज़्यादा संघर्ष किया इस पैसे को जुटाने के लिए जो माउंट एवरेस्ट पर लगने थे, मगर मैं जब माननीय कमलनाथ जी के पास गई और उन्होंने मुझे सराहा और मेरी मदद करी, मैं उनका दिल से धन्यवाद देती हूँ। अभी तक की क्या क्या उपलब्धियाँ रही आप? अभी तक की मैं बचपन से स्पोर्ट्स में थी, तो मैं बास्केटबॉल की नेशनल प्लेयर हूँ, साइकिल पोलो की नेशनल प्लेयर हूँ, और मैंने गढ़वाल हिमालय में क्लाइम किया, हिमाचल हिमालय में क्लाइम किया है जैसा कि आपके सबके सामने हैं। 22 मई 2019 को मैंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया। अभी रिसेंटली मैंने जो अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है किलिमंजारो की उरू पीक, उसको भी क्लाइम किया है, क्योंकि वो एक महाद्वीप है। अब मेरा ये टारगेट है कि मैं जितने भी बचे हुए महाद्वीप हैं उनकी इंडिविजुअल जो हाईएस्ट पीक है उनको मैं क्लाइम करूं, और एक और जो ये कहना चाहिए जो अब मैं करती आ रही हूं और सबके सामने मिसाल बनूं, और मुझे मौका मिलेगा इंडिया में भी कि कहीं पर चढ़ने का, तो मैं वो भी करूँगी। प्लस मैं ये चाहती हूँ कि अब जो मेरे टाइप बनना चाहता है या पर्वतारोही बनना चाहता है या फिर और किसी भी फील्ड में है, तो मैं उसको मोटिवेट करूं और साथ ही ट्रेनिंग भी दूं, ये मेरा अब आगे का टारगेट है। तामिया जैसी छोटी जगह से निकल करके आपने पूरे देश में नाम रोशन किया, तो तामिया को कैसे दिखता है? तामिया बहुत खुश होगा शायद उस जब वो मुझे देखता होगा पहले, तो उनको लगता भी नहीं होगा कि ये वो लड़की कभी फ्यूचर में हमें दिखेगी कि जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ के आई है। क्योंकि मैं बचपन से थोड़ी अलग नेचर की रही हूँ, उनके सामने उनको शायद ये लगता रहा हो कि पता नहीं क्या करेगी लड़की, लेकिन आज वो मुझे बहुत सराह करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, मेरे घर वालों को भी और सबको भी बहुत खुश हैं। मेरा गांव है वो, तो बहुत ज़्यादा खुश हैं वहाँ के लोग। आपका जो लक्ष्य है वो अगला क्या है? अगला मेरा जो है साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है अर्जेंटीना में अकांकागुआ, वो 7,000 मीटर से थोड़ी कम हाइट की है, काफ़ी चैलेंजिंग है, वो मेरा अब टारगेट है। अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही फाइनल होता है तो मैं दिसंबर में जा रही हूँ। तो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का कब कब आपको सहयोग मिलता है? मुझे एवरेस्ट के लिए उनका सहयोग मिला है, और शायद अगर मैं आगे भी उनसे सहयोग लेना चाहूँगी तो वो मुझे ज़रूर सहयोग करेंगे, लेकिन अभी मुझे इतना प्यार और इतना सम्मान मिल रहा है कि बाकी लोग भी मेरा सहयोग करने के लिए अभी तैयार हैं। तो अगर जहाँ से मुझे नहीं मिलेगा तो मैं ज़रूर, मेरे पास एक ही दरवाज़ा है और मैं जाऊँगी ज़रूर। सिटी हलचल की खबरों की श्रृंखला में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। श्री राम भक्त हनुमान जी के परम भक्त प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में विशाल भजन संध्या, माननीय कमलनाथ जी के दीर्घायु की कामना के लिए विशाल भव्य भजन संध्या का आयोजन, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गायक बाबा हंसराज रघुवंशी द्वारा संगीतमय रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति, जिसमें छिंदवाड़ा जिले के समस्त धर्म प्रेमी बंधु सादर आमंत्रित हैं। कार्यक्रम दिनांक 18 नवंबर दिन सोमवार समय रात्रि 8 बजे से, स्थान दशहरा मैदान पोला ग्राउंड छिंदवाड़ा। कार्यक्रम के आयोजक दीपक बंदेवार एवं कपिल सोनी, मित्र मंडल छिंदवाड़ा।
Bursa 125 joins the league of thrill machines. आंखों में सपने संजोए तेरी चाहत के, बरसों से पलके बिछाए तेरी राहों में, जिंदगी में तुम मिले ऐसे कि एक रिश्ता बन गया, एक रिश्ता जो तेरे होने का एहसास दिलाता है, तुझसे दूर ही सही तेरे पास होने का एहसास दिलाता है, तेरे साथ एक नई दुनिया बसाना है। डायमंड, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम ज्वेलरी की भव्य श्रृंखला, द प्राइड ऑफ महाकौशल। ज्वेलर्स कामती वाले, जो बनाए आपके सपनों को हकीकत। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास रिश्तों का बंधन, और रिश्ते जब एक सूत्र में बनते हैं तो वो पल होता है जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा, और इस यादगार लम्हे को दीजिए भव्यता के रंग। श्री राणा मैरिज लॉन के साथ शहर के मध्य हृदय स्थल रेलवे स्टेशन के बहुत पास, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से दूर स्वर्ग सा जहां, 70,000 वर्ग फीट का शाही ओपन लॉन, 30,000 वर्ग फीट का विशाल पार्किंग एरिया, विवाह फेरों के लिए सुसज्जित विवाह मंडप, एसी लग्जरी रूम, 2 एसी हॉल, स्पेशल डिनर एरिया, 2 भव्य किचन, स्टोर रूम, बड़ा वॉशिंग एरिया, 3 बड़े प्रवेश द्वार, कैटर्स और डेकोरेशन की फैसिलिटी। तो अब अपने परिवार के सभी शुभ अवसरों को दीजिए भव्यता का रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। स्थान 4 फाटक दादाजी धुनी वाले मंदिर के पास, छिंदवाड़ा। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9098161976 और 2322244। श्री राणा मैरिज लॉन। ब्रेक के बाद सिटी हलचल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मोर डोंगरी खुर्द से जिला मुख्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने सरपंच द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायत कर जांच तथा कार्रवाई की मांग ज्ञापन सौंपकर की। कहां से आए हो आप? मोर डोंगरी खुर्द से। क्या समस्या है? समस्या क्या है, पंचायत में जो निर्माण कार्य सरपंच के द्वारा जो किया जा रहा है, जब से वो सरपंच पदभार संभाला ऐसे कोई भी काम पूर्ण नहीं हुए हैं, सब अनियमितता के कारण हुए हैं। अभी 2018 में सीसी रोड बनी हुई है, जो रोड की क्षतिग्रस्त इतनी जम से हो गई है कि कह नहीं सकते आप। उसके बाद भी दूसरा काम निर्माण कर चालू कर दिया उसने, अभी वार्ड नंबर 10-12 बोर्ड में। अभी कुछ बोल्डर चेक नरेगा से जो बने जा रहे हैं, अपूर्त मतलब काम हुआ राशि पूरी हरण कर ली गई है उनकी। कुछ मजदूर ऐसे हैं जो काम पे जाते नहीं है, उसकी राशि भी पंचायत के द्वारा हरण की जाती है, जो बाहर काम करते हैं। और क्या क्या समस्या? समस्या तो बहुत कुछ है, जैसे पानी, अभी एक जहां पर जो अभी रोड निर्माण हो रही वार्ड नंबर 10 में, आगे का कोई आवागमन नहीं है, वहां 300 मीटर मतलब रोड निर्माण होने का है, चालू हो गया उसका काम चालू। एक वार्ड नंबर 2 में 300 मीटर पाइपलाइन विस्तार होने का जिसका प्रस्ताव हुआ, जहां पे एक घर के लिए वो 300 मीटर पाइपलाइन बिछाना चाह रहे हैं। ऐसे भी निर्माण है जिनको पैसे निकाल लिया हो, निर्माण हुआ नहीं हो? नहीं, अभी तो पूरी जांच के बाद में ये भी समस्या आएगी। ऐसा तो मुझे ये लग रहा है कि जैसे भी बोर्डर चेक डैम जो 5,54,000 रुपये का जो हुआ है, 5,54,000 का हुआ है, जो हरिप्रसाद कन्हैया के खेत का पास का जहाँ जो बोल्डर डाले, कुछ राशि हरण हो चुकी है ये जानकारी मिली है। परंतु अभी भजनलाल मुर्रापा के खेत के पास का जो चेक डैम बना, जो भी 5,54,000 रुपये की TS है उसकी, जिसमें अब उसकी जानकारी अभी जो ATI लगी हुई है, जो 10 तारीख को वो देगा, पून पे भी मैं ATI लगाया हुआ था, उस पर उनने पून दस्तावेज मुझे नहीं दिया गया। क्या शिकायत की आज आपने? आज भी हमने फिर उसी पे कि दूसरी उसके जांच के बारे में शिकायत किए है जो 24 को दिया गया था। आज शिकायत में जांच ये है कि जो 4 काम पर निर्माण जो चालू है अभी वर्तमान पर, वो काम को रोका जाए, अन्यथा अगर ऐसे ही होगा तो जो पुराने काम जो डैमेज है वो जहाँ के वहीं हो जाएंगे। 18 में जो सीसी रोड जो बनी हुई है अभी क्षतिग्रस्त हो गई है पूरी एक तरफ से।
कलेक्ट्रेट स्थित डीएम कोर्ट में आज एडीएम राजेश शाही द्वारा जनसुनवाई कर समाधानात्मक निर्देश प्रदान किए गए। ग्राम पंचायत जमीन में पड़ा, एक ग्राउंडिंग केस है जिसमें रहने वाला तो अमरवाड़ा ब्लॉक का था, घटना स्थल आपका जमुनिया पठार पायली गुल्लौर नदी में बहने से किसी की डेथ हुई, इसमें पीएम रिपोर्ट वगैरह भी ग्राउंडिंग की लगी हुई है। पेंशन संबंधी अपनी मांग तथा अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए कोल इंडिया पेंशनर्स की बैठक पेंशनर्स सदन में संपन्न हुई, जिसमें समाधान हेतु आवश्यक प्रयासों पर चर्चा कर निर्णय लिए गए। वो हमारे सदन को अपने मधुरतम दो शब्दों से आठ बज गए जल्दी रोटी बना देना, जब तो खाली कर भर देना, ये चक्कर में अपनी जिंदगी खत्म हो जाती है, बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं करना पड़ेगा। सुनी जिला मतलब जबलपुर के रेंज के अंदर कोई भी काम हो आप मुझे बताइए, सिर्फ मुझे बता दीजिए शुक्ला जी, पहाने थाने पहाने कोर्ट में मेरे लड़के का ऐसा काम हो गया। बस लोग मेरे को जानते हैं छिंदवाड़ा के अंदर, मैं ऐसे समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष रहा हूँ और मुलायम सिंह जी को मैंने यहाँ लाया हूँ छिंदवाड़े के अंदर। एक के साथ मैं ऑर्केस्ट्रा में था, इगर ऑर्केस्ट्रा में रहा हूँ और संगीतकार भी हूँ, और मैं जेब आपकी फरासिया में नाइट जो गश्त पर गाड़ी निकलती थी उसमें से भी सामने नहीं बैठता था। तो आज बैठक है हमारी कोल पेंशनर लोगों का, कोर्ट में हाई कोर्ट में दिल्ली में केस चल रहा है, उस संबंध में इन लोगों को सबको जानकारी देना है। उसमें हमारे केंद्रीय पद अध्यक्ष श्री एस एल यादव और ओमकार विश्वंदरे गणपत राव जी उपाध्यक्ष सेंट्रल से आ रहे हैं और विस्तार से जानकारी देकर हम सब पेंशनरों को जानकारी देंगे और इस साल की सदस्यता के बारे में भी आज बात होगी। और बड़े अपने हिंदू महापर्व के बाद ये बैठक हुई है, इसलिए आज थोड़ी विस्तार से भी उसमें चर्चा होगी। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल द्वारा आज गुलाबरा स्थित शिव मंदिर के पास सभी को तुलसी के पौधे वितरित किए गए। वैज्ञानिकों की माने तो तुलसी का पौधा आकार में छोटा होने के बावजूद एक सामान्य वृक्ष से कहीं ज्यादा ऑक्सीजन प्रदान करता है। वास्तु विशेषज्ञ तुलसी के पौधे को हर तरह का वास्तु दोष मिटाने के लिए प्रयोग करने की सलाह देते हैं। अंकल आप तुलसी के पौधे ले जा लो, तुलसी के पौधे ले जा लो अंकल, तुलसी के पौधे ले जा लो, गाड़ी यही साइड में खड़ी करो। अरे गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है ना, कल तुलसी जो वहाँ है। आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल और ओजस्वनी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा स्थानीय ये छिंदवाड़ा महानगर के गुलाबरा क्षेत्र में तुलसी के पौधे वितरण किए गए हैं। अभी परसों के दिन तुलसी विवाह है, तो तुलसी विवाह की पूर्व संध्या पर यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें घरों घर जाकर के हमने तुलसी के पौधे लोगों को वितरण किए एवं तुलसी का औषधीय महत्व लोगों को हमने बताया। आज सैकड़ों की संख्या में तुलसी के पौधे हमने वितरण किए हैं। कार्तिक शुक्ल नवमी के अवसर पर आज श्रद्धालुओं द्वारा आंवला नवमी मनाई गई और आंवले के वृक्ष की पूजा कर प्रसाद वितरित किया गया। फोटो
कैमरे से ना पटने होंगे चलना तो थोड़ी चल रही मूवी कर रही नौ साल आता अकरा करून घ्या ना पानी पूर्वी सर्वांगी सुंदर उठिशेंदुराची कंठी झरके माळा मुक्ता पाळाची पुरे चरणी गांगल्या जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती ओ श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन चरणे मात्रे मन पावना पूर्ती जय देव आज कार्तिक मास की आज आंवला पूजन है आज विष्णु लक्ष्मी को भी मानते हैं इसके कारण पूजा की जाती है और अखंड सौभाग्य के लिए भी समृद्धि के लिए भी करवा जाते हैं और सबको मतलब उपास वगैरह रहता है कोई उपास करके पूजा करते हैं सौभाग्य के लिए और ये आंवला पूजन जहाँ भी आंवला के झाड़ है वहाँ सब कोई पूजा करते हैं और आंवला आंवला नौमी भी मानते हैं। शांतिनाथ कॉलोनी में इन दिनों श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ प्रारंभ है। स्थल पर आज विष्णु के नृसिंह अवतार की कथा सुनाई गई। दूसरे का नाम ध्रुव। सुनीति को अलग कर दिया। जन्म दिवस आया, भैरव माता पिता का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। षष्ठी माता मंदिर प्रांगण में इन दिनों श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ प्रारंभ है। स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मोक्षदायिनी कथा श्रवण कर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। भगवान कपिल की भावना माता देवहूति को ये भगवान कहते तम तमाह ब्रह्मा परम कुमाश प्रत्यस्ततो तस्यात्मनि संविभात्यम स्वतेजसा दुष्टगुण प्रवाह वंदे विष्णु कपिल हित गर्व बड़ी भाग्य मानुष तन पुफली बाड़ा श्रीराम दरबार में प्रारंभ श्रीमद् भागवत कथा का समापन आज भंडारा प्रसाद वितरण के साथ हुआ।
आइए अब चलते चलते एक नजर डाल लें सुर्खियों पर। आइए अब अंत में एक नजर फिर डाल लें आज की हेडलाइंस पर। बिछुओं से खमार पानी जा रही बस पलटी, 11 यात्री बुरी तरह घायल। धारा 144 के दौरान बरतें सावधानी, सोशल मीडिया में लापरवाही से क्रिया प्रतिक्रिया पड़ेगी भारी। जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक संपन्न, कई जगह उलझे ही दिखे पेंच। और उत्कृष्ट विद्यालय में मुगली उत्सव के अंतर्गत जिला क्विज संपन्न, बच्चों में दिखा खासा उत्साह। सिटी हलचल के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।